नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि मेन लाइन IPO TCNS क्लोथिंग कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉरपोरेट ऑफिस दोनों न्यू दिल्ली में है और इसके IPO रजिस्ट्रार्स होंगे कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद। इस कंपनी का IPO 18 जुलाई 2018 को खुलेगा और 20 जुलाई 2018 को बंद होगा। ये एक बुक बिल्ट IPO इशू है। फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर है, याद रखिएगा ये शेयर 2 रुपये प्रति शेयर का शेयर है। प्राइस रेंज इसकी 716 से 714 रुपये प्रति शेयर है। 20 शेयर का लॉट है और 14,320 रुपये की एप्लीकेशन इसकी होगी। लिस्टिंग NSE और BSE पर होगी। कंपनी एक ऑफ़र फॉर सेल ला रही है, याद रखिए केवल ऑफ़र फॉर सेल, ये फ्रेश इशू नहीं ला रही है कंपनी। जो भी पैसा जाएगा वो सारा प्रमोटर्स और जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाएगा। कंपनी का मकसद केवल और केवल अपना जो ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना है और अपने शेयर्स को लिस्टेड करवाना है। कंपनी जो है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो 1,57,14,038 शेयर बेच रहे हैं, जिनकी जो टोटल अमाउंट होगी वो लगभग 1,125 करोड़ रुपये होगी। इसमें 50% QIV पोर्शन होगा, NII का 15% है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% सुरक्षित है। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर ओमकार सिंह पसरीचा और अरविंदर सिंह पसरीचा। इनके पास कंपनी के दोनों के पास मिला के लगभग 35% शेयर हैं, जिनकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पर शेयर जो है, एक्विजिशन पर शेयर, वो 30 रुपये 53 पैसे और 13 रुपये 47 पैसे है। ये दोनों भी अपने शेयर बेच रहे हैं ऑफ़र फॉर सेल में। 29% अपने प्रेजेंट शेयर होल्डिंग का बेच रहे हैं ओंकार सिंह पसरीचा और लगभग 24.5% बेच रहे हैं अरविंदर सिंह पसरीचा। जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं जो अपना शेयर बेच रहे हैं इसमें कंपनी में, वो हैं वैगनर लिमिटेड जो अपना 27% शेयर बेच रहे हैं, अनंत कुमार डागा 25% बेच रहे हैं, सरन प्रीत पसरीचा 60% बेच रहे हैं, अंगद पसरीचा अपने 100% शेयर बेच रहे हैं, विजय कुमार मिश्रा 21.96% शेयर वो जो हैं अपने बेच रहे हैं। उसके बाद में हम कंपनी की हिस्ट्री बताते हैं। 3 दिसंबर 1997 को कंपनी की स्थापना हुई थी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हैसियत से और इसी साल 19 जनवरी 2018 को कंपनी को कन्वर्ट कर दिया गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन के समय केवल 200 शेयर इशू करे गए थे, 10 रुपये का शेयर एट पार में। उसके बाद में 29,800 शेयर और इशू करे गए थे जनवरी 1998 में। उसके बाद में कुछ लोन था इनका, वो कन्वर्ट कर दिया था इक्विटी में 2009 में। हालांकि उससे पहले ये शेयर्स जो है वो 30 रुपये प्रति शेयर में, और जो लोन है वो कन्वर्ट हो चुका था इक्विटी में 30 रुपये प्रति शेयर। उसके बाद में फिर इन्होंने 2-3 बार फर्दर कैपिटल इशू करी, 10 रुपये का शेयर एट पार में दिया। उसके बाद में 21 रुपये 82 पैसे में, और सितंबर 2011 में इन्होंने अपने फेस वैल्यू 10 रुपये को घटाकर 1 रुपये कर लिया, स्प्लिट कर लिया शेयर, और ESOP के जरिए इन्होंने 38 रुपये और 40 रुपये में शेयर इशू करे। उसके बाद में कंपनी ने अपना जो शेयर है वो 1 रुपये प्रति शेयर से कंसोलिडेट करके 2 रुपये प्रति शेयर कर लिया और CCRD जो है वो कन्वर्ट हुई 373 रुपये 26 पैसे प्रति शेयर पे, और ESOP के अंदर और दोबारा शेयर इशू हुए 76 रुपये और 100 रुपये प्रति शेयर। यानी कि इस कंपनी ने जो मैक्सिमम करा है वो 373 रुपये 26 पैसे पे शेयर इशू करे हैं, वो भी जब इनके CCRD कन्वर्ट हुए थे इक्विटी के लिए। कंपनी के बारे में बताते हैं। देखिए, कंपनी जो है वो काफ़ी वेल नोन कंपनी है। ये डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग करती है रिटेल ब्रांडेड अपैरल्स का, लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए। आप जानते होंगे इनके बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं, वो हम आगे बताएंगे। एक टेक्नोपैक के हिसाब से नवंबर 2017 में ये इंडिया में वुमेन्स की ब्रांडेड अपैरल में नंबर 1 कंपनी थी, जिनके की सबसे ज़्यादा आउटलेट्स थे ब्रांड आउटलेट्स में। उसके बाद में कंपनी जो ऑफ़र करती है वो टॉप वियर, बॉटम वियर, ड्रेप्स,
कॉम्बो सेट्स, एसेसरीज एट्सेट्रा ये ऑफ़र करती है, जो कि कई तरह के रिक्वायरमेंट इंडियन लेडीज़ की जो है वो पूरी करते हैं। कंपनी जो है वो डाइवर्सिफाइड रिटेल प्रेजेंस है इनकी, इनके मल्टीपल चैनल्स हैं पूरे 31 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, पूरे इंडिया में इनका नेटवर्क है। कंपनी जो है 465 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, 1469 इनके लार्ज फॉर्मेट स्टोर आउटलेट्स हैं, 1522 मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं और 6 आउटलेट इनके नेपाल, मॉरिशस और श्रीलंका में हैं। और ये जो है अपनी वेबसाइट के थ्रू और अदर रिटेलर्स के थ्रू भी अपना सामान बेचती है। अब इसके ब्रांड्स पे आते हैं। देखिए, कंपनी का एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो है डब्लू। ये एक प्रीमियम ब्रांड है जो कि काफ़ी एडमायर करा जाता है फैशन ब्रांड कैटेगरी के अंदर। दूसरा इनका है कॉन्टेम्प्रेरी एथनिक वियर का ब्रांड, जिसको ये ऑरेलिया के नाम से बोलते हैं। और तीसरा है विशफुल, जो कि एक प्रीमियम ब्रांड है। ये तीन ब्रांड कंपनी चलाती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स में नज़र डालते हैं। देखिए, टोटल रेवेन्यू 170 करोड़ था FY 2013-14 में, अगले साल 302 करोड़, फिर 488 करोड़, उसके बाद 713 करोड़ और उसके बाद में 849 करोड़। इसी तरह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इनके 8 करोड़ रुपए थे 2014 में, 26 करोड़ हुए अगले साल, उसके अगले साल इनको 41 करोड़ रुपए का घाटा रहा। उस हानि के बाद में अगले साल इनको 15 करोड़ रुपए का लाभ रहा और FY 18 में 97 करोड़ रुपए का लाभ रहा। ये तो आप जानते हैं कि कंपनी ने जब IPO लाना होता है तो उस समय जो उनके प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ चढ़ कर आते हैं। नेट मार्जिन जो हैं वो 5% से लेकर 11% के बीच में वेरी करते हैं। इस कंपनी की एक छोटी सी अच्छी बात यह है कि इन्होंने कोई भी बोनस शेयर इशू नहीं करा। अगर हम कंपैरिजन करते हैं पीयर ग्रुप के साथ में, तो इन्होंने जो नाम दिए हैं वो पेज इंडस्ट्रीज़, आदित्य बिरला फैशन, फ्यूचर लाइफ स्टाइल, केवल किरण क्लोथिंग, ये चार नाम इन्होंने दिए हैं। ये चारों ही जो पी रेशो इनकी 81, 97, 67 और 25 की पी पे ये कंपनीज ट्रेड कर रही हैं, जबकि TCNS का जो आज जिस रेट पे ये इशू कर रही है शेयर 716 पे, तो इनका पी रेशो 44.41 होता है। तो हम तो आपको यही कहेंगे अंत में, जो प्रश्न आता है कि क्या मुझे ये अप्लाई करना चाहिए, नहीं, मैं तो इस फुली प्राइस शेयर है ये, इसलिए मैं तो इसको अप्लाई नहीं करूँगा, अवॉइड करूँगा कम से कम लिस्टिंग गेन के लिए। हाँ, लिस्टिंग के बाद में जब ये शेयर सस्ता हो जाएगा, अपने इशू प्राइस से कम मिलेगा, तब मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच।